खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र अभियान शुरू कर दिया। बता दें कि जिले के नवदुर्गा चौक से भाजपा के संकल्प पत्र अभियान का शुभारंभ किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने स्थानीय दुकानों में पहुंचे और विकसित भारत को साकार करने के लिए व्यापारियों से सुझाव मांगे। इसके तहत ही व्यापारियों ने जिले के विकास के लिए जरूरी सुझाव लिखित रूप से पत्र पेटी में डाले। भाजपा के संकल्प पत्र अभियान को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि वर्ष 2024 में भाजपा के नेतृत्व में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। पहले तो मैं खनवाड़ संसदीय क्षेत्र का निवासी हूँ, तो मेरा सुझाव यह देगा कि ये पूरा क्षेत्र अभी रोड ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ का पूरा व्यापार, क्योंकि मालवा रीजन उस साइड में पहाड़ होने की वजह से हम ट्रेन का तो जल्दी से विकसित नहीं कर सकते, पर हम रोड को विकसित कर सकते हैं। तो बुरहानपुर से इंदौर का जो रोड है वो अभी बन रहा है, उसको थोड़ी सी और तेजी लाए, वो रोड इस तरीके का और बन जाए तो यहाँ पे पूरे व्यापार बढ़ सकता है, व्यापार बढ़ेगा और इस क्षेत्र में तरक्की होने की ज़्यादा संभावना है स्पीडली। तो मेरा कहना है कि इस रोड के काम को थोड़ा स्पीडली किया जाए और एक साल में इसको पूरा किया जाए, ताकि फिर कंटिन्यूसली हमें दो साल में इसका रिजल्ट दिख जाएगा और हमारा व्यापार बहुत बढ़ जाएगा बुरहानपुर खंडवा इंदौर तक का कम्प्लीट। जल्दी रह चुका हूँ मैं, थोड़ा व्यापारी से इसके लिए मैं बात करूँगा। इसमें मोदी सरकार जी ने जो GST का लाए हैं निश्चय बहुत ही सराहनीय है। सरकार का इसमें कलेक्शन बढ़ा है, आवक बढ़ी है। इसी तरह मैं चाहता हूँ इनकम टैक्स के भी उसमें अब एक सरल सुविधाकरण और वो नियम जो कानून कायदे है वो एक टैक्स एक सरकार एक टैक्स का जो प्रण कर रही है इनकम टैक्स के बदले, इससे वो सराहनीय होगा और हमारे व्यापारियों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य मोदी जी कर ही रहे हैं। सबको मन में जो डर बैठा हुआ था वो भी काफ़ी हद तक कम हो। मोदी जी के फिर नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। 2024 से 2029 तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार देश में क्या काम करना चाहिए, जनता की आशाएं आकांक्षाएं इच्छाएं वह सारी जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर के प्रत्येक मतदाता से, प्रत्येक व्यापारी से, प्रत्येक नागरिक से सुझाव आमंत्रित कर रही है कि आप अपनी आशाओं इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार यह सरकार कैसी चलनी चाहिए और किस प्रकार से सरकार ने काम करना चाहिए और देश को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या काम मोदी जी की सरकार द्वारा होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम बुरहानपुर के मतदाताओं के पास में, व्यापारियों के पास में, मजदूर के पास में, शिक्षक के पास में और साथ ही इस देश के गणमान्य नागरिकों के पास में हम जा रहे हैं और उनसे सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी आकांक्षा के अनुसार बुरहानपुर कैसा होना चाहिए, देश की सरकार कैसी होनी चाहिए, भारत कैसा होना चाहिए, मध्य प्रदेश कैसा होना चाहिए।